वेलकम बैक टू क्रिएटिव अंशिका यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग कैसे हैं फ्रेंड्स? ठंड तो बहुत पड़ रही है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि मतलब आलू गोभी मटर की हल्की सी सेमी लिक्विड सब्ज़ी, मतलब जैसे सूखी सब्ज़ी होती है गोभी की, तो वो आप रोटी के साथ यूजुअली लोग थोड़ी सी तो कहते हैं कि भाई या तो दाल हो या दही हो, कुछ ऐसी हो जिससे कि रोटी खाई जाए। खाली सूखी सब्जी से ना रोटी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको सेमी लिक्विड से सब्जी आज शेयर कर रही हूँ कि ये कैसे बनाते हैं, और बहुत ही यमी बनती है। इसको आप चाहे तो पूड़ी के साथ भी खा सकते हैं और चाहे तो चावल के साथ भी खा सकते हैं, जैसे जीरा राइस वगैरह बना ले तो उसके साथ भी बहुत अच्छी लगती है। बट मैं प्रेफर करती हूँ कि मतलब चपाती के साथ खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, सीज़न चल ही रहा है तो मैं ये शेयर करने वाली हूँ। जैसे मैंने गोभी आलू और थोड़ा सा मटर डाल रखा है, ये कट करके रखा हुआ है। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने अनियन और थोड़े से अदरक और थोड़ी सी हरी अदरक नहीं सॉरी लहसुन और हरी मिर्च, ये दोनों भी चॉप कर रखे हैं फाइन। और साथ में ये मस्टर्ड ऑयल मैंने कढ़ाई में गरम कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, और ये थोड़ा सा टमाटर है जो कि मैंने चॉप कर रखा है मिक्सी में, मतलब वो कर रखा है, ग्राइंड कर रखा है। तो फ्रेंड्स, अब ये मैं दिखाती हूँ ये रेसिपी मैं कैसे बनाऊँगी। तो मतलब आपको अगर अच्छी लगे तो आप भी ज़रूर वो करिएगा, बनाइएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये ऑयल मेरा गर्म हो गया। अब मैं इसमें जो प्याज चॉप कर रखा है और लहसुन दोनों को मैं डाल देती हूँ। और इसको हल्का सा मतलब सेमी फ्राई हो जाए, अनियन जो हल्का सा पिंक हो जाए तभी तक करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मतलब 50% हो गया अनियन। हम इसमें टमाटो डाल देंगे। ये भी थोड़ा सा वो मतलब टमाटो भी थोड़ा सा हाफ कुक हो जाए, उसके बाद देखना मैं क्या करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, टमाटर भी हाफ कुक हो गया है। अब मैं इसमें मसाले डालना शुरू कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि मतलब इसमें हींग वगैरह, गोभी की सब्ज़ी में हींग वगैरह जरूर डालते हैं, और अगर आप लोगों को नहीं पसंद है तो आप नहीं भी अवॉइड किया कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा डालती हूँ। और ये हींग डाल दिए हैं, उसके बाद मैंने हल्दी डाल दिए। वो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है कितना कितना डालना है। और क्योंकि मैंने हरी मिर्ची दो डाल दी थी तो मैं रेड चिली कम ही डाल रही हूँ कलरिंग के लिए, और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दूँगी। और फ्रेंड्स, सॉल्ट मैं बाद में डालती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने इसको मिक्स कर दिया है। मिक्स करके उसके बाद फिर मैं अभी इसमें वो डाल दूँगी जो सब्ज़ी मेरी चॉप्ड गोभी वगैरह है ना, ये मैं डाल दूँगी। फ्रेंड्स, मैं मसाले को पूरा कुक इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि जब मैं सब्ज़ी डालूँगी, कच्ची सब्ज़ी डालती हूँ, तो सब्ज़ी मेरी पकेगी नहीं और मसाला मेरा जल जाएगा। तो इसलिए मैं सब्ज़ी को मतलब मसाले को हाफ कुक करके उसके बाद मैं सब्ज़ी डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने सब्जी डाल दी है और मैं इसको मिक्स करके अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी, क्योंकि मैं हमेशा नमक बाद में डालती हूँ। फ्रेंड्स, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेरे को वैसे मसाले में देख के आइडिया नहीं लगता, मैं सब्ज़ी जब डाल देती हूँ उसके बाद ही मुझे आइडिया लगता है कि कितनी नमक इसमें पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसमें मेरा क्या होगा कि मैं क्योंकि मसाले को मैंने हाफ कुक की है, तो मेरी जब सब्ज़ी पक जाएगी उसके साथ साथ मेरा मसाला भी पूरा पक जाएगा। अगर मैं बिल्कुल मसाला फ्राई करके डालूंगी ना सब्ज़ी को, तो मसाला जो है वो जल जाएगा और मेरी सब्ज़ी पकेगी नहीं। तो इसलिए मेरी प्रेफरेंस होती है हम मसाले को हाफ कुक करके उसके बाद मैं सब्ज़ी इसमें डाल दूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा मतलब वो कर दिया, मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको ढक देती हूँ। और फ्रेंड्स, इसको बीच बीच में चलाते रहिए, और गैस जो है वो मीडियम फ्लेम पे होना चाहिए, ना बहुत तेज़ ना बहुत स्लो, मीडियम गैस होना चाहिए, मीडियम फ्लेम पे। तो फ्रेंड्स, देखिए, ये
ताज़ा सब्जी होती है ना, उसमें अपने आप ही पानी छोड़ देती है। मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला इसमें पानी। अभी देखिए इसको बीच बीच में चलाते रहे फ्रेंड्स, जब तक मेरा मसाला पकेगा ना, जो अनियन टमाटो वगैरह का मसाला है, उतनी देर में मेरी सब्जी भी पक जाएगी। आप चाहे तो इसको आलू गोभी वगैरह को अलग से, मतलब हल्का सा बॉईल करके, हाफ बॉईल करके वो भी कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि मतलब साथ में ही पकाना। जैसे कोई मेहमान वगैरह आ रहे हो तब तो बात अलग है, तब तो गोभी वगैरह फ्राई कर लो बॉईल करके, अदरवाइज मैं नहीं करती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैं फिर चला देती हूँ। मैं दो तीन बार चला चुकी हूँ फ्रेंड्स, मैंने दिखाया नहीं है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। फिर इसके बीच बीच में कंटिन्यूस चलाते रहे। आप देखिए इसमें, अगर आप इसको स्मेल करेंगे ना, तो फ्रेंड्स इसके मसाला पूरा भुन चुका है और साथ में मेरी सब्जी भी पक गई है। अगर आपके घर में मतलब सूखी सब्जी से रोटी लोग खा लेते हैं, तो आप इस स्टेज में भी इसको बंद कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में सूखी सब्जी मतलब या तो दाल होनी चाहिए या दही होनी चाहिए, कुछ ना कुछ लिक्विड होना चाहिए साथ में, तो उससे बेटर है कि फिर इसमें हल्की सी आलू में कसर रेफरेंस अभी थोड़ी सी आलू शायद मैंने ज़्यादा मोटे पे काट दिए थे। गोभी मेरी बिल्कुल पक चुकी है, अब गोभी जो है वो बिल्कुल वैसी हो जाएगी। चलो फ्रेंड्स कोई बात नहीं, अभी मैं इसको थोड़ा सा और ढक देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये सब्जी मेरी ऑलमोस्ट डन है। अब मैं इसमें आप मतलब जितना आपको वो चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना फ्रेंड्स, हल्का सा पानी डाल के इसको हल्का सा बॉईल कर दीजिए बस। ये देखिए मतलब बिल्कुल जितनी सब्जी है उतना ही पानी डालिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं डाला। अब इसको थोड़ा सा बॉयल आ जाने दीजिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मेरे इसमें बॉयल आ चुका है। अभी देखिए मेरे कितनी कम तरी डाली है, बस ये हल्का सा वैसे करने के लिए करा है। अब मैं इसको गैस बंद कर देती हूँ और अब मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये कितनी वो लग रही है, टेम्पटिंग से लग रही है। अब मैं इसमें धनिया गार्निश कर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, लग रही है ना सब्ज़ी बड़ी टेस्टी सी। और इसको आप पूड़ी राइस, जीरा राइस के साथ भी खा सकते हैं। और देखिए ऑयल भी नहीं है, और मतलब बिल्कुल नॉर्मल बना है, जो घर में जितना बनना चाहिए उस हिसाब से बना है। ना मैंने फ्राई करा है ना कुछ करा है। जैसे आपके घर में ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है, तो आप ये गोभी की, आलू गोभी, मटर की हल्की सी सेमी लिक्विड से सब्ज़ी बना सकते हैं और इसे मतलब चपाती के साथ खा सकते हैं और जीरा राइस के साथ भी खा सकते हैं फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।